जीवन को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी संभालने वाले चिकित्सक भगवान से कम नहीं होते हैं। अयोध्या के दो चिकित्सकों ने अपने रक्त की कीमत पर किशोरी की जान बचाकर यह साबित कर दिया है। अचेत अवस्था में अयोध्या जिला अस्पताल में भर्ती हुई किशोरी को ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता थी, जिसकी व्यवस्था करने में जब परिजन के पसीने छूट गए, ऐसी स्थिति में इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक काम आए। मरीज की हालत गंभीर होते देख चिकित्सकों ने स्वयं रक्तदान करने का निर्णय लिया। अयोध्या जिला अस्पताल के दो चिकित्सक डॉ आशीष पाठक और डॉ अजय तिवारी अनमोल रत्न हैं। शहर के देवकाली निवासी आंशिक यादव काफी दिनों से बीमार थी। दो दिन पूर्व आंशिक की तबीयत खराब होने पर परिजन उसे जिला अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टर ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे भर्ती कर दिया और डॉक्टर ने दो यूनिट ब्लड की व्यवस्था करने की सलाह दी। मरीज के परिजनों ब्लड डिमांड का पेपर लेकर ब्लड बैंक पहुंचे तो वहां ब्लड की उपलब्धता नहीं थी। रात भर परिजन ब्लड के लिए भटकते रहे। समय बीतता गया और धीरे धीरे उसकी की हालत गंभीर होने लगी। सुबह इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक आशीष पाठक और अजय तिवारी ने जब देखा तो उसकी हालत नाजुक होती जा रही थी। मरीज की हालत गंभीर होने के चलते यह स्थिति दोनों चिकित्सकों से देखी नहीं गई और उन्होंने मरीज की हर कीमत पर जान बचाने का निर्णय लिया। ऐसे में उन्होंने स्वयं रक्तदान कर और एक चिकित्सक के दायित्व से बढ़कर योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप को किशोरी की जान बचाई जा सकी। जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ आशीष पाठक ने बताया कि दो दिन पहले किशोरी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसकी हालत गंभीर थी। परिजनों को ब्लड की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था, लेकिन परिवार में कोई रक्तदान करने वाला नहीं था। ऐसे में मरीज की हालत गंभीर होती जा रही थी। अगले दिन सुबह तक जब रक्त की व्यवस्था नहीं हुई तो कीर्ति की हालत और अधिक गंभीर हो गई। डॉ आशीष पाठक ने बताया कि उन्होंने सहयोगी डॉ अजय तिवारी के साथ रक्तदान कर युवती के लिए दो यूनिट ब्लड की व्यवस्था की। ब्लड चढ़ाने के बाद कीर्ति की हालत में सुधार हुआ। फिलहाल किशोरी की हालत अब खतरे से बाहर है। क्या वजह है? चढ़ाना की कमी है। कौन डॉक्टर ने खून दिया? क्या खून ब्लड दिए हैं? खून दिए हैं? हम खून नहीं दिए, डॉक्टर साहब ने। अच्छा, डॉक्टर कौन कौन डॉक्टर दिए हैं? कौन डॉक्टर? डॉक्टर साहब का नाम जानते हूँ, आशीष पाठक। आशीष पाठक तिवारी क्या नाम नहीं जाना, लेकिन दो डॉक्टर ने दिया। पाठक पाठक दिया है। हाँ सर। इनका हीमोग्लोबिन कितना कम था? इसका 3.5। वैसे दिखाई पड़ रहा है, आराम खून चढ़ेगा तभी सब कुछ आराम दिखाई। अभी चढ़ा नहीं है? अभी खून नहीं चढ़ा। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? हम तो देवकाली पे रहती हूँ। देवकाली पे रहती हैं। बच्ची का क्या नाम है? अंशिका यादव। अंशिका यादव नाम की लड़की थी, तो उसको परसों रात में भर्ती किया गया था। उसको सीधे लेने गया था, जिसके कारण उसको सांस लेने में दिक्कत थी और वो मूर्छित अवस्था में आई थी। रात के सुबह जब मेरी ड्यूटी उसकी माँ को दो यूनिट ब्लड करने का इंतजाम करने के लिए डॉक्टर रामकिशोर जी ने फिजिशियन जो हमारे यहाँ उसको इंतजाम करने के लिए चढ़ाने की सलाह दी। तो उसके घर में कोई ब्लड देने वाला नहीं। तो उधर उधर वो महिला भटक रही थी, बहुत परेशान थी। तो जब वो मेरे पास आई ड्यूटी के दौरान, तो उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे मरीज मेरी बेटी मर जाएगी। और उसकी स्थिति भी उसकी लड़की की बहुत ज़्यादा खराब थी। तो मानवता बस हम लोग अक्सर ऐसा करते रहते हैं, जब किसी को ज़रूरत पड़ती है और ब्लड बैंक में होता है, अक्सर कि ब्लड होता भी है और कभी कभी नहीं होता है, तो हम लोग डॉक्टर लोग स्वयं अपना ब्लड दे देते हैं मरीज की जान बचाने के लिए। तो उसी संदर्भ में मैं और डॉक्टर अब मैंने और डॉक्टर अजय तिवारी जी ने दोनों ने एक एक मिनट ब्लड लिया और जिससे उस मरीज को थोड़ा राहत हुई है और वो अभी खतरे से बाहर।
बच्ची कहाँ की घर पे क्या बच्ची का इलाज रिफर हुआ है वहाँ के लिए।